हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर होल नंबर्स। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था और आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है मेरे पास, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये दो नंबर है, इसका आपने सक्सेसर बताना है। तो सक्सेसर में क्या करेंगे, 99 है, 99 का सक्सेसर बताना है, तो सक्सेसर में 1 प्लस करना है, ठीक है ना। 1 प्लस करने का मतलब क्या हुआ, 99 के जस्ट आगे वाला नंबर क्या आएगा, तो 99 में 1 प्लस किया तो क्या आ गया, 100। इसी तरह से सेकंड पार्ट, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 1 प्लस करने में क्या होगा, इस तरह से, ठीक है ना। 299 में 1 प्लस किया तो क्या होंगे, 300। सेकंड क्वेश्चन में प्रेडिसेसर बोला गया, प्रेडिसेसर में जस्ट पहले वाला नंबर बताना है, तो पहले वाला नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, 1 माइनस करोगे, क्लियर। तो 200 है, 200 से जस्ट पहले क्या आएगा, 199, तो 199 के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस, ठीक है। जिस तरह से हमने छोटी क्लास में क्वेश्चन किए थे, व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट कम्स बिफोर, तो सक्सेसर क्या है, एक तरह से व्हाट कम्स आफ्टर, बाद में क्या आने वाला है, ठीक है ना। 3 के बाद क्या आएगा, 4, तो 3 के बाद 4 लाने के लिए क्या करोगे, प्लस 1 करोगे। तो वही बात, यहां पे सक्सेसर में आपने क्या करना है, प्लस 1 करना है, प्रेडिसेसर में 1 माइनस करना है। सेकेंड पार्ट, माइनस 1 तो कितना आ गया, 300 और 399, ठीक है। सक्सेसर में 1 प्लस करना है और प्रेडिसेसर में 1 माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, इनको आपने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो नंबर लाइन आपको पता है कि 0 सेंटर पे जाएगा, 0 राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। 0 क्या है, न्यूट्रल वैल्यू है, ठीक है, 0 क्या है, न्यूट्रल नंबर है। तो लेफ्ट साइड आपकी नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12। देखो, आपने नंबर लाइन हमेशा पेंसिल से बनानी है, नंबर लाइन पेंसिल से बनानी है, और बीच का जो स्केल का स्केल है ना, वो इक्वल होना चाहिए, गैप आपका इक्वल होना चाहिए। और मैंने 0 से इधर देखो राइट साइड मैंने 12 तक ले लिया, बट यहां पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, तो मैं यहां पे सिर्फ माइनस 1 तक ही लेता हूं, ठीक है ना। माइनस 1 मतलब मैं यहां पे माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 भी ले सकता हूं, बट यहां पे मेरे को पॉजिटिव नंबर शो करने है ना, तो इसलिए मैं यहां पे नेगेटिव नंबर नहीं लेगा, सिर्फ मैंने माइनस 1 तक ही लिया है। तो यहां पे 4 है, 4 आपका प्लस का, तो ये हो गया, 2 है ये हो गया, 0 आपका ये हो गया, 7 इधर आ गया, 11 दिस वन एंड 1, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया एड द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, एड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द नंबर लाइन, एड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द नंबर्स नंबर लाइन। तो यहां पे मेरे पास दो पार्ट है, एक है 2 एंड 5, एक है 7 एंड 3, 2 एंड 5, और एक है मेरे पास 7 एंड 3। देखो, आपने नंबर लाइन का यूज करके 2 और 5 को ऐड करना है। आपको पता है 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है। 2 और 5 को अगर मैं ऐड करूंगा इस तरह से, कितना आएगा, 7 आएगा। बट आपने ऐसे नहीं करना, आपने नंबर लाइन का यूज करना है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है 2 प्लस 5, प्लस का साइन क्यों आ गया, क्योंकि हमें ऐड करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो 2 प्लस 5 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे ऐड करोगे, पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो नेगेटिव को मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, नेगेटिव मैं माइनस 1 तक ही ले लूंगा बस, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू कैसे पॉजिटिव है। तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2,
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, क्लियर। तो यहां पे क्या है, टू, टू में क्या करना है, फाइव प्लस करना है। तो सबसे पहले वाला नंबर देखो क्या है, टू, तो ये हो गया आपका टू, ठीक है। आप अभी कहां पे हो, टू पे, आपको क्या करना है, फाइव प्लस करना है। फाइव प्लस करने का मतलब आपको फाइव स्टेप्स आगे जाना है। तो देखो यहां से वन टू थ्री फोर फाइव, बात समझ आ गई कि आप सबसे पहले कहां पे हो, टू पे हो, ठीक है। तो आपको प्लस फाइव करने, तो आपने फाइव स्टेप्स आगे मूव किया, तो आप कहां पे आ गए, सेवन पे। तो टू प्लस फाइव कितना हो गया, सेवन। टू प्लस फाइव सेवन होता है, सबको पता है, बट आपने नंबर लाइन बना के बताना है, नंबर लाइन से प्लस करके दिखाना है, सेवन। इसके बाद सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, सेवन एंड थ्री। सेवन एंड थ्री का मतलब सेवन प्लस थ्री जीरो, माइनस वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। आप कहां पे हो, पहले सेवन पे, ठीक है। सबसे पहले वाला नंबर देखना है, सबसे पहले वाला इंटीजर देखना है, तो सबसे पहले वाला नंबर क्या है, सेवन। तो आप अभी सेवन पे हो, आपको प्लस करना है थ्री, तो हम कहां जाएंगे, राइट साइड। एक बात का और ध्यान रखना, प्लस करना है तो राइट साइड जाना है, माइनस करना है लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है। आगे सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, बट आपने यहां पे क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो आप कहां जाओगे, राइट साइड। तो सेवन सबसे पहला नंबर क्या, सेवन। तो आप अभी सेवन पे हो, आपको क्या करना है, थ्री प्लस करना है, थ्री ऐड करना है। तो थ्री स्टेप आगे जाओगे, वन टू थ्री, कहां पे आगे, टेन पे। तो सेवन प्लस थ्री कितना हो गया, टेन, क्लियर। सो वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, जिसमें बोला गया सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द नंबर लाइन। अब आपने नंबर लाइन का यूज करके सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे अभी आपने नंबर लाइन का यूज करके ऐड किया था, अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला पार्ट है मेरे पास फोर फ्रॉम सिक्स, क्या मीनिंग हुआ इसका, कि आपने फोर को सब्ट्रैक्ट करना है सिक्स में से। तो कैसे लिखेंगे, फोर को सब्ट्रैक्ट करना है, फोर को सब्ट्रैक्ट करना मतलब फोर को माइनस करना है सिक्स में से। तो पहले आप लिखोगे सिक्स और फोर को माइनस करना है, इसलिए माइनस का फोर, क्लियर। अब देखो, पता है आपको सिक्स में से फोर जाएगा तो क्या टू आता है, बट आपने नंबर लाइन से शो करना है। तो यहां पे मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूं, जीरो माइनस वन माइनस टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब सबसे पहले आप कहां पे हो, सिक्स पे, ये सिक्स आ गया, ठीक है। बट आपको फोर माइनस करना है, माइनस में मैंने क्या बताया, कहां होगे, लेफ्ट साइड मूव करोगे, ठीक है। और जब प्लस करना होगा तो राइट साइड मूव करेंगे। तो आपने फोर माइनस करना है, तो फोर स्टेप मेरे को क्या करना है, लेफ्ट साइड में आना है, माइनस वाला केस है ना। तो यहां से फोर स्टेप देखो, वन टू थ्री फोर, कितना आ गया, टू। तो इसका मतलब सिक्स माइनस फोर कितना होगा, टू होगा, बात समझ आई। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका, फाइव फ्रॉम इलेवन, फाइव को सब्ट्रैक्ट करना है इलेवन में से। तो इलेवन में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, फाइव, तो इसलिए माइनस फाइव, बात समझ आई। फाइव को सब्ट्रैक्ट करना है मतलब फाइव को माइनस करना है, इसलिए माइनस फाइव। तो देखो यहां पे जीरो माइनस वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन। तो आप सबसे पहले कहां पे हो, इलेवन पे, ये आ गया आपका इलेवन, क्लियर। अब आपने क्या करना, फाइव सब्ट्रैक्ट करना, मतलब आपने फाइव स्टेप्स लेफ्ट साइड में आना है, सब्ट्रैक्ट करना तो लेफ्ट साइड। तो यहां से वन टू थ्री फोर फाइव, कितना आ गया आपका, सिक्स। तो ये हो गया आपका इलेवन माइनस फाइव इज इक्वल टू सिक्स, क्लियर। सो वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर
6 जिसमें बोला गया मल्टीप्लाई द फ्लोरिंग नंबर यूजिंग द नंबर लाइन, मतलब वो आपने नंबर लाइन का यूज करके मल्टीप्लाई करना है। अभी हमने नंबर लाइन का यूज करके ऐड किया था, नंबर लाइन का यूज करके सब्ट्रैक्ट किया था, ऐड वाले केस में हमने राइट साइड मूव किया था, लेफ्ट वाले सब्ट्रैक्शन वाले केस में हमने लेफ्ट साइड मूव किया था, बट यहां पे अब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई देखते हैं कैसे करेंगे। 2 × 5 सबको पता है 10 आएगा इसका आंसर, ठीक है, बट आपने नंबर लाइन का यूज करना है। 0 − 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 देखो मल्टीप्लाई के केस में ना आप जीरो से स्टार्ट करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में आप जीरो से स्टार्ट करोगे। और 2 × 5 का मतलब क्या है यहां पे, 2 × 5 का मतलब है, पहले 2 का मतलब देखते हैं, 2 का मतलब है यहां पे कि आपने जो मूवमेंट करनी है ना वो दोनों के गैप में करनी है। इस 2 का मतलब है जो आपने मूवमेंट करनी है वो दोनों के गैप में करनी है, ठीक है, और कब तक करनी है, 5 टाइम्स तक आपने मूवमेंट करनी है दोनों के गैप में। जैसे 0 से 2 का गैप लेंगे तो इतना, तो ये हो गया 1 टाइम्स मूव किया मैंने, ठीक है। सेकेंड टाइम मूव करूंगा 4 पे आ जाऊंगा, थर्ड टाइम मूव करेंगे 6 पे आ जाएंगे, फोर्थ टाइम मूव करेंगे 8 पे आ जाएंगे, और फिफ्थ में 10 पे आ गए। मतलब दो दो के स्टेप लिए, जब यहां पे मैंने दो दो का गैप लिया, दो दो के गैप पे मूवमेंट करनी है, और कब तक करनी है, 5 टाइम्स। तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5 क्लियर। तो 2 × 5 कितना हो गया, 10। बात समझ आई। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है 2 × 6 तो 2 × 6 का मतलब क्या है, आपने दो रो के गैप में मूवमेंट करनी है, दो रो के गैप में मूवमेंट करनी है, कब तक करनी है, 6 टाइम्स तक। तो 0 से 0 पे ले तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5 और आगे क्या बना देंगे हम यहां पे 12, 13 तो 6 में कहां पे आ जाएंगे 12 पे आ जाएंगे। तो 2 × 6 कितना हो गया, 12। आपने सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई के केस में 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक है, और इस 2 का मतलब है आपने दो दो के गैप में आगे मूव करना है, और कब तक करना है, 6 टाइम्स तक। ये 6 आपका टाइम्स हो गया और 2 आपका क्या हो गया, गैप हो गया। दो दो नंबर का गैप लेते जाओ, 6 टाइम्स तक आगे बढ़ते जाओ, 12 आंसर आ जाएगा। सो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 4.1। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।